हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और अभी बज रहा है सुबह के 11:30 बजे और अभी मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज 9 सितंबर है और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मैंने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान करके रखा है। वैसे तो कल रात को ही हम लोगों ने मिडनाइट को बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया था। मैंने उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे केक घर में बनाया था, उसका जो रेसिपी है मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं मैं घर पे कैसे केक बनाती हूँ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं अंडों को फेंट लेती हूँ। अंडे अच्छे से फेंटने के बाद मैं उसे वेनिला एसेंस, थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल से फिर से अच्छे से फेंट लेती हूँ। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चीनी ऐड करती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा घी और दूध ऐड करती हूँ। घी ऐड करने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मैंने बैटर को तब तक मिक्स किया जब तक ना चीनी अच्छे से गल गया। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेकिंग ट्रे में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया और प्रिपेयर्ड बैटर को ऐड कर दिया। उसके बाद काजू और आलमंड से मैंने उसे थोड़ा सा डेकोरेट किया। आलमंड और कैश्यू मैंने ऐड किया था, वो सब अंदर चले गए हैं। मैंने ज़्यादा इसे बेक नहीं किया, बस 8 मिनट से बेक किया 180 डिग्री सेल्सियस पर। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है। ज़्यादा बेक करने से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने सॉफ्ट ही रखा है इसको क्योंकि हस्बैंड को सॉफ्ट वाला पसंद है। कैसा लग रहा है? बहुत ही सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। थोड़ा सा हर्शीज का चॉकलेट सिरप और जेम्स से मैंने इसका टॉपिंग लगा दिया है। जेम्स लगाने से बहुत ही कलरफुल दिखता है और बहुत ही क्यूट लग रहा है ये केक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं लेके आई हूँ कैंडल्स, बर्थडे के लिए कैंडल्स। उसके बाद बलून्स लाई हूँ छोटा छोटा, और ये है जो वॉल में लगाते हैं हैप्पी बर्थडे वाला, वो मैं एक लेके आई हूँ। और लाई हूँ खाने का कुछ सामान, और लाई हूँ एक सोडा का बॉटल, इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ। आज पहली बार ट्राई करूँगी, आपसे भी शेयर करूँगी, अभी नहीं बाद में देखिएगा। और ये है बर्थडे का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है केक। मैंने केक भी लाया है एक, तो ये है मेरे हस्बैंड के लिए बर्थडे का केक।
और ये है उनका बर्थडे गिफ्ट। मैंने उनके लिए फॉसिल का एक वॉच खरीदा है। एक्चुअली मैंने इसमें ज़्यादा नहीं दिया, मतलब 5000 ही दिया, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो हस्बैंड ने ही दिया। लेकिन वही यही है मेरा उनके लिए बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ वॉल हैंगिंग और बलून्स लगा दिया है। अभी बस यही है, मैंने वॉल को डेकोरेट कर लिया है और बाकी जो सरप्राइज है वो हस्बैंड आने से पहले मैं रेडी करूंगी, केक ये सब। मैं इस बार मैं बेडरूम में ही कर रही हूँ डेकोरेशन, क्योंकि जो लिविंग रूम है वहाँ पे जो सारा वॉल है सभी में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इसलिए ये जगह जो है ये वैकेंट था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे करूँ। आप जरूर सोच रहे होंगे मैंने आज क्या स्पेशल बनाया। मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि शाम को हम लोग निकलने वाले हैं डिनर के लिए बाहर, तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया स्पेशल। कल संडे था तो कल ही मैंने कुछ ना कुछ बना के खिला ही दिया ऑलरेडी हस्बैंड को। तो अभी बस हस्बैंड का इंतजार, आने के बाद मैं देखती हूँ उनको सरप्राइज देके उनको सरप्राइज कैसा लगता है, और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी मैं जो सोडा लाई उसके साथ मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए मैंने घर पे प्रिपेयर किया वर्जिन मोहितो। तो वर्जिन मोहितो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रिपेयर किया सुगर सिरप। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पानी में 3 टेबलस्पून चीनी ऐड किया और सुगर सिरप प्रिपेयर किया। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लिया है फ्रेश पुदीना पत्ता, लेमन, ये है सुगर सिरप और ये है लेमन जूस। तो मोजिटो बनाने के लिए मैंने 2 बड़े ग्लास में पुदीना पत्ता ऐड किया, उसके बाद स्लाइस किया हुआ लेमन ऐड किया, उसके बाद एक मडलर की मदद से नींबू और पुदीना के पत्तों को क्रश किया, उसके बाद जरूरत अनुसार सुगर सिरप ऐड किया। सुगर सिरप ऐड करने के बाद लेमन जूस ऐड किया। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया आइस क्यूब्स, उसके बाद मैंने ऐड किया सोडा। तो हमारा होममेड वर्जिन मोहितो बिल्कुल रेडी है। फाइनली मैंने इसे लेमन के साथ गार्निश किया।